ओके okay. okay. सही है ना साहब okay. ये क्या बोल रहे हैं जयमेन से जैन हां जयमेन साहब आपका जैन में होगा डेट आ चुकी है उसकी जैन लास्ट पढ़ लो आप सीरियस हो जाओ बेटा, हाउ आर यू सर मैं बढ़िया हूँ तुम बताओ क्या हाल चाल है ज़िंदगी में मेंस मेंस की डेट आ गई है सुनने में आ रहा है ऐसा डरवर नहीं लग रहा आप लोगों को अरे सर डरवर कहाँ लगता है हम लोगों को निडर इंसान है एग्जाम से कौन डरेगा क्यों दी जीत बैच जी जीत बैच भी चल रहा है दे देना दन। चलो भाई शुरू करें हाँ जी इतना स्क्रिप्ट जेई की डेट आ गई है मैं बनाता हूँ अभी इस इस क्लास को ख़त्म होने के बाद वीडियो बनाता हूँ उसका क्या सीन है क्या नहीं है ठीक है आज की क्लास वैसे ज़्यादा नहीं मैं सिर्फ बिस्पर थ्योरी और एजिंग स्ट्रक्चर ये दो टॉपिक्स कवर करा रहा हूँ चलो शेयर कर देकर फटाफट आ जाए सब लोग फिर अपन शुरू करें भैया आपकी ऑर्गेनिक लास्ट ईयर थी अभी एन हमीरपुर में हूँ ठीक है ठीक है समझ लेते हैं कभी कभी गलतियां हो जाती है टाइपिंग में चलो शुरू करते हैं तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जैसा कि मैंने कहा था कि यदि केमिकल बॉन्डिंग में रेजोनेंस स्ट्रक्चर को पढ़ते हो तो बहुत ज्यादा नहीं है बहुत कम ये दिया हुआ है बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेजोनेंस का जो यूज है वो काफी ज्यादा है और जियोसी में और यदि आपने कोई मेरा पुराना लेक्चर देखा हो तो रेजोनेंस को हमने सही तरीके से पढ़ रखा है ठीक है सिंपल है वैसे रेजोनेंस बस थोड़ा सा इस इनॉर्गन केमिस्ट्री में काफी कम दिया बहुत ज्यादा अंतर नहीं ऑर्गेनिक सेम ही अलग अलग बट इसमें क्या है इनऑर्गन के कंपाउंड आ जाते हैं जैसे एन टू माइनस हो गया सी थ्री टू माइनस हो गया ना ओजोन हो गया उन सब में देखते हैं वहां पर ऑर्गेनिक के कंपाउंड में देख रहे होते हैं थोड़ा सा अंतर है बाकी तो सब सेम ही है क्लियर है तो चलो यार एक सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले जैसे हम बेंजीन के एग्जाम्पल से शुरू करते हैं हालांकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेंजीन बट ठीक है कोई बात नहीं है आपको पता है कि बेंजीन कुछ इस तरीके से होती है ना अब इसमें जो पाई बॉन्ड है कंजुगेशन में जाता है इस तरीके से पाई यहाँ जाता है ये पाई इधर चला जाता है ये पाई इधर आ जाता है तो दूसरा जो बनता है ये क्या है वो कुछ इस तरीके से होता है ठीक है ये पाई जब यहाँ आया तो यहाँ पर पाई बॉन्ड 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 पर पर पाई और यहाँ पर पाई और बहुत अब ये जो है ना इन दोनों को हम क्या कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वन है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टू है इन दोनों को जब आप कंबाइन कर देते हो तो हमको क्या मिल जाता है हमको क्या मिल जाता है यहाँ पर रेजोनेंस हाइब्रिड तो ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो कुछ इस तरीके का है क्योंकि ये जो आपके पाइव नजर आ रहे हैं वो एक जगह यहाँ पर एक जगह इस तरीके से है ना तो ऐसा घूम रहा होता है और नो, तो दैट्स कभी कभी हम इसको तो इस तरीके से भी बना देते हैं और या फिर कभी कभी आपने देखा होगा कि हम इस तरीके से टक 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 बना होते हैं कुछ लोग कहते हैं सर ये ऑक्सीजन के बीच उस एंजिन के बीच में ऑक्सीजन क्यों लगा दिए भाई वो ऑक्सीजन नहीं है है ना वो पाई बॉन्ड्स हैं जो कंजुगेशन में जा रहे होते हैं सिंपल सी बात है यदि आप इस एग्जांपल को देखना चाहते हो तो जैसे फैन है आपने फैन बंद किया

ये सिर्फ और सिर्फ हाइपोथेटिकल है इमेजिनरी है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाते हैं रेजोनेंस के ये क्या होते हैं आपके हाइपोथेटिकल क्या होते हैं हाइपोथेटिकल ठीक है इनको सिर्फ और सिर्फ हम कागज पर ड्रॉ कर सकते हैं हकीकत में ऐसा कुछ पाया नहीं जाता है क्लियर है समझ आ गई सिंपल है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो आपने देखा कि जो बेंजीन है इसको अपन बेंजीन बोलते हैं जिसको नहीं पता है इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं रेजुनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होता है क्या आपका रेजोनेंस हाइब्रिड ठीक है तो बेसिकली हम यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और हाइब्रिड इस सबकी बातें कर रहे होंगे राइट right. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है किसका ओजोन का ओ का तो इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर uh, यहाँ पर बनाए गए हैं तो यदि मैं मान लू जैसे ये आपका वी वीशेप दिखता है ओजोन बट ठीक है मैं ऐसे बना देता हूँ आपको पता है कि ऑक्सीजन है ठीक है एक दो तीन चार ओ, पांच छह छह बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास है ना और आठ इसका ऑप्टेट कंप्लीट हो गया ठीक है अब इसके ऑक्सीजन के पास एक दो तीन चार और पांच छ होते हैं अभी दो बॉन्ड तो नहीं बना सकता क्योंकि ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता और ये जो ऑक्सीजन है इसको तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि Beast इसके पास सेवेल्स इलेक्ट्रॉन हो तो ये क्या करता है इसको डोनेट कर देता है क्या कर देता है डोनेट कर देता है इलेक्ट्रॉन इस तरीके से तो जब इस तरीके से डोनेट करता है तो जब आप ओजोन का स्ट्रक्चर बनाते थे तो आपको पता है कि ओजोन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आता था कि आपने यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर क्या जाएगा आपका पॉजिटिव और यहाँ पर क्या जाएगा निगेटिव साइन तो ऑफकोर्स इस ही है ना तो अब क्या होता है भाई साहब देखना ध्यान से

ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको इधर करोगे तो ये इधर पहुंच जाएगा तो इसका जो दूसरा यूनिटिक स्ट्रक्चर बना वो कुछ इस तरीके से बना कि यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड वो आ गया यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज था ही और उधर क्या आ गया आपका नेगेटिव आ गया समझ रहे है? तो एक बार डबल बॉन्ड यहाँ है और दूसरी बार डबल बॉन्ड यहाँ है ये दोनों आपस में क्या हो गए एक दूसरे के रेजोनेटिंग मतलब ये क्या हो गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ना दो किसके ओजोन के ओ थ्री के तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाएंगे तो एक और डबल बॉन्ड यहाँ आ रहा है है ना एक डबल बॉन्ड इधर आ रहा है तो कहीं ना कहीं इस तरीके से घूम रहा है यस तो जब हम इसका बनाएंगे रेजोनेंस हाइब्रिड तो कुछ इस तरीके से बन रहा होगा हाँ ना यस अनु इस तरीके से बन रहा होगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है और निगेटिव चार्ज क्या आपका घूम रहा है इसमें इस तरीके से तो ये क्या हुआ ओजोन का रेजोनेंस रेजोनेंस हाइब्रिड हुआ अब इसमें बहुत सारी बातें इन्होंने बता रखी है कि ओ ओ सिंगल बॉन्ड की क्या कहानी है डबल बॉन्ड की क्या कहानी है इनकी जो बॉन्ड लेंथ है कैसे क्या बड़ी बॉन्ड ऑर्डर क्या कुछ हुआ तो वो सब मैं आपको थोड़ा सा अलग लेके बता रहा हूँ तो इसमें भी वही सब चीज़ें यहाँ पर इन लोगों ने एक्सप्लेन कर रखी हैं ठीक है और फिर एक एग्जाम्पल लिया कार्बोनेट आयन का तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इधर ठीक है चल तो इसमें कुछ चीज़ें हैं उसको समझ लो ध्यान से और सिंपल है टफ नहीं है जैसे मैंने क्या किया ओजोन का स्ट्रक्चर बनाया दो स्ट्रक्चर इसके बन रहे थे ओ माइनस पर है है और प्लस तो एक बार डबल बॉन्ड गया गया इधर आ तो दूसरा क्या बना इस तरीके से बना डबल बॉन्ड ओ ओ और पर माइनस तो आपने एक चीज नोटिस की कि जब आप इनका हाइब्रिड बनाओगे तो हाइब्रिड कैसा बनेगा यदि आप इनका हाइब्रिड बनाओ रेजोनेस हाइब्रिड तो वो कुछ इस तरीके से बनना होगा ओ यहाँ आपका ओ यहाँ पर आपका ऑक्सीजन है इस तरीके से नेगेटिव चार्ज इसमें घूम रहा है इधर के आपका पॉजिटिव चार्ज ठीक है इस बात तक तो आपको कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं थी अब जैसे ही आपको पता है कि यहां पर आपका सिंगल बॉन्ड था यहां पर आपका क्या पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर तो यदि आप इसमें और इसमें कंपेरिजन करते हो इन दोनों को मान लो कंपेयर करते हो तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ यहां से इसका बढ़ गया समझ रहे बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ बढ़ गया और यदि इसको और इसको कंपैरिजन करते हो तो बॉन्ड ऑर्डर यहां पर कितना था दो साफ साफ दिखाई दे रहा है हमको पर दो से ये यहां बढ़ गया ये yes सुनो no? तो यहां पर आपका आ रहा है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसको अपन क्या बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डबल बॉन्ड कैरेक्टर ठीक है अब मैं कहता हूं कि मान लो इसमें रेजोनेंस नहीं होता है आपको ये स्ट्रक्चर दे दिया जाए इसकी मैंने कह दिया एक्स इसको बोल दिया मैंने बाई और इन दोनों का क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर सेम है ना पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है इसको मैंने कह दिया ये जेड होगा ये जेड होगा, होगा दोनों के दोनों बराबर है तो यदि मैं आपसे पूछूं कि बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा होगा डेटा बेटा याद रखना जो नहीं रखना बता रहा हूँ वो आपको याद रखना है तो अफकोर्स ये सिंगल बॉन्ड था है ना और ये क्या पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो एक्स से ज्यादा क्या होगा आपका जेड ये क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर होगा दूसरा आपको पता है कि बाई और जेड में यदि मैं कंपेरिजन करूं तो ये डबल बॉन्ड है और ये क्या पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डबल बॉन्ड से कम है इसको वन मान लो इसको वन मान लो है ना तो वो क्या हो जाएगा बाई से आपका कम हो जाएगा कौन सा जेड तो बेसिकली यदि बॉन्ड ऑर्डर का यह सीन है तो क्या आप यहां पर बॉन्ड लेंथ का सीन बता सकते हो जी बॉन्ड ऑर्डर यदि जेड का ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी कम हो जाएगी एक्स की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी सेम तरीके से यदि इन दोनों में कंपेरिजन करते हो तो बाई की बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी जेड की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी तो ऐसी बातें करने के लिए आपको किस में मिल रही होंगी क्वेश्चन में मिल रही होंगी बस आपको इतना याद रखना है कि सिंगल बॉन्ड था यदि उसमें रेजोनेंस हुआ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया तो एक जो बॉन्ड ऑर्डर था उससे थोड़ा तो बड़ा यदि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है आपकी कम हो रही है यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी क्लियर है गुड इवनिंग सभी को बोलो समझ आ गया ये कि नहीं सिंपल था है ना इसमें कोई डाउट ठीक है चलो ओके okay, तो ये क्या कह रहे हैं फुल मार्क्स बोल रहे हैं सर कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर ओ टू प्लस ओ टू माइनस यार वो बहुत सिंपल काम है बहुत टफ नहीं है जब हम एमओ टी पढ़ेंगे तो उसको आप एक टेक बता ये काउंट कर लिया करो देखो तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस है ना इधर आगे बारह तो आप देखो और ले लो इधर ग्यारह दस ठीक है क्या देखो कि जब भी हमको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो चौदह क्या होता है आपका नाइट्रोजन होता है नाइट्रोजन का पता है तीन बॉन्ड होते हैं एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड तो इसका बॉन्ड ऑर्डर तीन है अब इधर जा रहे हैं तो घटाते जाओ दो पॉइंट फाइव घटाते जाओ तो टू पॉइंट फाइव टू वन पॉइंट फाइव वन जीरो पॉइंट फाइव जीरो इधर जब जा रहे हो तो टू पॉइंट फाइव टू वन पॉइंट फाइव और ये वन इस तरीके से चलती जाएगी तो बेसिकली आपको ओ टू ये जो जितने भी एग्जाम्पल्स वहां पर दिए हुए हैं आपने आपको क्या करना है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो काउंट कर लेने हैं इसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वही आपका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा फटाफट लगेगा ये चुटकियों में ठीक है तो जैसे शशिकला ने उसका आंसर दे रखा है कि O2 प्लस का क्या है O2 माइनस का क्या है और O2 का क्या है समझ में आया किसने पूछा था ये फुल मार्क्स ने बोलो ठीक है ये कह रहे हैं जीरो मार्क्स की वजह आज फुल मार्क्स रख लिया अच्छा ऐसा है क्या ठीक है चलो तो अब एक और एग्जांपल दिया है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ CO3 2- है ना आयन ठीक है इन टर्म्स ऑफ रेजोनेंस ओके तो पहले तो यदि मैं CO3- CO3 2- का स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर इसका बन रहा होगा ठीक है तो यहां पर दो नेगेटिव आ रहे हैं ये बात आपको समझ में आ गई अब हमको क्या करना है इसके रेजिनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो मान लो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या ये है तो दूसरा क्या हो सकता है दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि डबल बॉन्ड अभी यहां पर था तो डबल बॉन्ड यहां आ जाए आ सकता है कि नहीं आ सकता हाँ जी आ तो सकता है तो मैंने क्या किया इसको थोड़ा सा और सही से बनाते हैं स्ट्रक्चर मस्त साल नहीं लग रहा है डायगोनल प्लेनर है ना ये तो C डबल बॉन्ड O O माइनस और O माइनस ये इसका स्ट्रक्चर ठीक है अब मैं कह रहा हूं कि आपको इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ड्रो करने डबल बॉन्ड तो एक बार यहां है तो आप क्या करो इसको रेजोनेंस में रेजोनेंस में जाएगा ये इधर जा रहा होगा यस yes, तो जब दूसरा आप रेजुनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसा बन, बनेगा वो देखो सी यहां पर क्या जाएगा आपका अभी ओ निगेटिव ठीक है और इधर क्या जाएगा डबल बॉन्ड यस वनो तो ओ डबल बॉन्ड और इधर आपका क्या था ओ माइनस था ये बात आपको समझ में आ गई ठीक है तो क्या इसका एक और पॉसिबल हो सकता है हाँ जी एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल हो सकता है कि अभी डबल बॉन्ड यहां था एक और डबल बॉन्ड यहां आ गया

यदि मान लो मैं पूछता हूं कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा मैंने ओजोन में नहीं बताया वो चीज बट मैं ठीक है आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब भी आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है इस टाइप के केसेस में कि मान लो मैंने कहा कि जो एक्स है आपका ठीक है ये इसका बॉन्ड ऑर्डर आप बताओ क्या होगा ठीक है तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं जब भी कुछ इस टाइप का इक्वल है ना आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इक्वल एनर्जी के हैं सब आइडेंटिकल सब सीन है तो इस केस में आपको क्या करना है कोई भी दो आइटम पकड़ लेने जैसे आपने ये पकड़ रखा है ठीक है अब इसमें टोटल बॉन्ड कितने हैं सभी रेजुडेंट स्ट्रक्चर है वो काउंट करने जैसे मैंने ये फिक्स कर दिया तो एक बॉन्ड है ना दो इधर है एक इधर है तो एक दो तीन और चार तो मैं यहां पर लिखूंगा कि टोटल बॉन्ड जितने आ रहे हैं उतने है, और नीचे टोटल रेजुडेंट स्ट्रक्चर है कितने तीन है तो तीन से डिवाइड कर दूंगा तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है कितना हुआ फोर बाई थ्री अब देखो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर एक दिख रहा है क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आया तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा एक से ज्यादा आ रहा है बॉर्डर लेंथ क्या हो जाएगी इसकी कम हो जाएगी तो उस तरीके से हम इसमें बातचीत इस कर सकते हैं कोई पकड़ो दो आप जरूर नहीं आप इसको पकड़ो आप इसको पकड़ लो सी डबल बॉन्ड हो ठीक है तो यहां पर दो बॉन्ड है यहाँ पर एक यहां पर एक तो एक दो तीन चार ऊपर टोटल चार बॉन्ड आ गए इसमें ये जब पकड़ा और स्ट्रक्चर कितने हैं तीन तो फोर अपन थ्री किया जाएगा बॉन्डर आ जाएगा उसका भी इसका भी सबका कितना था, सेम आ रहा है तो यदि मैं इसको एक्स बोल दूं इसको मैं बाई बोल दूं इसको जेड बोल दू तो इन सबका कितना है ये एक्स बाई जेड इन तीनों का जो बाउंडर रहा है बराबर निकल के आ रहा है सेम चीज यहां पर ओ थ्री में भी हो रही होगी क्लियर है तो ये बात आपको समझ मांगी होगी सीओ थ्री का क्या सीन है तो के तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर डॉ करके रख दिए। ठीक है यदि कुछ लगता है आपको नोट करने के लिए है इसमें तो कर सकते हो ठीक है बोलो हम्म 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 डन आपका लास्ट वीक में है ना ये जे के सॉरी जनवरी के जे मेंस बोलो हम्म हम्म कुणाल जी जे में इस डेटा आ गई है, है मुझे सर मेरा एग्जाम में पांच मार्क्स में आया था बॉन्ड ऑर्डर वाला क्वेश्चन अच्छा बॉन्ड ऑर्डर भी पांच मार्क्स का पूछ लिया है कोई नहीं उसका तरीका ये नहीं है यदि आपका बोर्ड में आ रहा है ना तो बोर्ड में इस तरीके से मत करना वो काट पीट के फेंक देंगे मार्क्स ही नहीं देंगे तो उसके लिए एमओ से आपको करना पड़ेगा किससे मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से करना पड़ेगा ठीक है क्रिस क्या पूछ रहे हैं H2O का बॉन्ड ऑर्डर H2O टू का है? मतलब OH bond का एक होता है यार H2O का नहीं पता है आपको H2O दुनिया जानती है इस तरीके से बन रहा होता है है ना तो सिंगल है है कि नहीं चलो आगे तो नोट कर लो इसमें कुछ हो तो फिर एक क्या है इसके बाद एक्सप्लेन दी ओ टू मॉलिक्यूल, सीओ टू मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को आपको एक्सप्लेन करना है इसमें और तो कुछ है नहीं दिन 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 दिन। चलो सीओ टू का स्ट्रक्चर आपने देख रखा है कैसा होता है सी

हायर डेंसिटी से हम लोअर डेंसिटी जाते हैं तो ये लोन फिर इधर आया तो ये इधर शिफ्ट होगा यह समझो तो इधर आपका जो स्ट्रक्चर बना वो कैसा बना है इधर कैसा बनेगा ये ओ सी यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया कार्बन के तो चार बॉन्ड ही हो सकते हैं ज्यादा नहीं हो सकते इधर प्लस साइन आ जाएगा और इधर क्या जाएगा आपका माइनस तो एक दो तीन चार पांच छह नेगेटिव साइन आ गया समझ रहे और इधर आपका ये दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है ये लोन फिर इधर से जाए मतलब दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये इधर जाए और आपका ये वहां पे शिफ्ट हो जाए तो दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ओ ट्रिपल इधर आपका प्लस आ जाए कार्बन ओ माइनस ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ठीक है समझो आपको आ गया तो ये मान लो गए टू के रेगुलटिंग स्ट्रक्चर बना दिए जो कि यहां पर देख रखते हैं तो एक बार आप यदि देखो माइनस प्लस माइनस प्लस और ये प्लस माँणस, प्लस माइनस माइनस इस तरीके से आ रहा है तो यहां पर आपके ट्रिपल बॉन्ड एक बार यहां एक बार यहां अब मैंने आपसे पूछा कि मान लो आपको इधर इनका बॉन्ड ऑर्डर बताना है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा एक्जेक्टली exactly एक्स और वाई तो आपने इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए तो CO2 टू के आपके तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं हाँ जी सर हमको नजर नहीं आ रहा देखो यहाँ से आ रहे हैं तो इस केस में यदि आप इसका देखते हो बॉन्ड ऑर्डर तो देखो इसको फिक्स कर दो एक जगह को तो काउंट कर लो एक दो तीन चार पाँच छः कितना है ये छः टोटल बॉन्ड आपके छः और टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने तीन है तो तीन से छः को डिवाइड कर दो कितना आएगा टू और टू क्या हुआ इसका बॉन्ड ऑर्डर सेम तरीके से आप इस साइड देख लो एक दो तीन चार पाँच छः

इनका कोई रीजन रियल एग्जिस्टेंस नहीं है ये हकीकत में पाए नहीं जाते हैं। ये इमेजिनरी है ये हाइपोथेटिकल है क्या है ये हाइपोथेटिकल हकीकत में ये नहीं पाए जाते हैं तो ये बात आपको समझ में आ गई है ठीक है दूसरा आपको पता है कि ये कह रहे हैं कि जो मॉलिक्यूलर नॉट एग्जिस्ट फॉर अ अर्टन फ्रैक्शन ऑफ टाइम जो मोलिक्यूलर एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है, है ना किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में दूसरा इसमें कोई इक्विलिब्रियम वगैरह नहीं होता है आपको यदि ऐसा लग रहा है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इक्विलिब्रियम वगैरह होता है तो वो सब थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा के बारे में जितना भी दिया है मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ भी आपको पता चलेगा ठीक है कुछ भी आपको समझ में आएगा और कुछ भी आप कर पाओ क्योंकि एक सफिशियंट प्रैक्टिस चाहिए होती है बहुत सारे कॉन्सेप्ट छूटे हुए हैं जिसमें से एक कॉन्सेप्ट है जो कि बार बार यूज होता है मैं उसको थोड़ा सा बता देता हूँ स्टेबिलिटी के बारे में

ठीक है इसका मतलब क्या है कि पहले आप ये देखो कि जो भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखना चाह रहे हो क्या वो एरोमेटिक है यदि वो एरोमेटिक है तो उसकी स्टेबिलिटी नॉन एरोमेटिक की क्या होगी ज्यादा होगी पहले आपको क्या देखना है क्या वो एरोमेटिक है यदि वो एरोमेटिक है तो उसकी स्टेबिलिटी नॉन एरोमेटिक से क्या होगी ज्यादा होगी दूसरा मान लो एरोमेटिक नहीं है तो आपको क्या देखना है मल्टीपल बॉन्ड्स देखना है मल्टीपल बॉन्ड्स मल्टीपल बॉन्ड्स है ना या पर इसको इस तरीके से लिख लो मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स तो यानी कि जिसमें पाई बॉन्ड्स क्या है ज्यादा है जिसमें जिसमें पाई पाई बॉन्ड्स बॉन्ड्स क्या है है जिसमें bonds है ज्यादा ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी क्या है ज्यादा है देखो पहले आप देखो एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक तो एरोमेटिक ज्यादा होगा यदि मान लो एरोमेटिक नहीं है है ना नॉर्मली है तो आपको क्या देखना है उसमें देखना नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कम है या ज्यादा जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ज्यादा होंगे

यदि ऑक्टेट जिसकी कंप्लीट है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी ज्यादा होगी अब मान लो आपके पास ऐसा केस आया कि वो भी नहीं न्यूट्रल तो तो वाला ज्यादा स्टेबल आपको कहीं चार्ज क्रिएशन हो रहा है जैसे मैंने लिया ना सी ओ टू समझ रहे तो एक ये इसका स्ट्रक्चर बना तो क्या बन रहा था एक ही बन रहा था कि नहीं बन रहा था हाँ जी तो यहां यहाँ आया प्लस और निगेटिव तो एक आपका न्यूट्रल था और एक में क्या हुआ चार्ज क्रिएशन हुआ एक न्यूट्रल था एक में चार्ज क्रिएशन हुआ तो ऑफकोर्स चार्ज क्रिएशन वाला कम स्टेबल होगा न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल होगा कौन सा होगा न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल होगा ठीक है तो आप क्या बोल दोगे न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल होगा अब मान लो आपके पास ऐसा केस है कि जो एरोमेटिक भी नहीं है नंबर ऑफ पाइव भी बराबर है रूल भी फॉलो कर रहा है और न्यूट्रल भी है तो आपको तीसरा देखना है डिस्टेंस क्या देखना है डिस्टेंस तो डिस्टेंस का सिंपल सा फंडा है क्या फंडा है कि यदि रहे हैं हैं अपोजिट चार्जेस ठीक है चार्जेस तो चार्जेसिटी है, है, अच्छा, है तो स्टेबिलिटी क्या होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके डिस्टेंस के ना अपोजिट साथ अट्रैक्ट डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगी डिस्टेंस ज्यादा होगी

ये क्या होगी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके डिस्टेंस के तो जितनी ज्यादा डिस्टेंस क्योंकि आपको पता जैसे प्लस प्लस आ गया तो वो दूर दूर रहना चाहेंगे तो डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी सही होगी ये बात आपको समझ में आ गई होगी ठीक है नेक्स्ट आपका ए बाई इसका मतलब आपको देखना है दो चीजें क्या एक तो आपको देखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नहीं ऐसे नहीं इसको ऐसे देखो नेगेटिव चार्ज जो है है ना नेगेटिव चार्ज है ये यदि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पर आ रहा है तो ज्यादा स्टेबल है या फिर जिसका साइज ज्यादा है, है ना जिसका साइज ज्यादा है उस पर आ रहा है तो ज्यादा स्टेबल है अब सुनना इलेक्ट्रोनेगेटिव की जब हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं पीरियड देखते हैं और जब साइज की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं ग्रुप देखते हैं क्या देखते हैं ग्रुप देते हैं, देखते हैं ठीक है तो साइज डोमिनेंट कर रहा होता है किस पर अफकोर्स इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर क्लियर है जैसे मैं सिंपल सी बता दूं जैसे कोई एग्जांपल एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया ओ माइनस और एस माइनस तो अब आप ये नहीं कहोगे सर सल्फर की इलेक्ट्रोनिटी कम है ऑक्सीजन की ज्यादा है तो ये ओ माइनस ज्यादा स्टेबल होगा नहीं एस माइनस ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि

मान लो ऑक्टेट भी सेम है देन आप न्यूट्रलिटी देखो जो न्यूट्रल है वो ज्यादा स्टेबल है यदि मान लो न्यूट्रल भी है मतलब कोई है, नंबर भी सेम ऑक्टेट भी फॉलो कर रहा है न्यूट्रल भी है डिस्टेंस का भी लो, लो है। तब भी जाओ तो इस तरीके से हमको अडरवाइज आगे बढ़ना है करो नोट फटाफट सारी चीजें करो जल्दी हो गया तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में इसका बहुत बड़ा रोल है इसलिए मैंने इसको आपको ढंग से बता दिया है सर इलेवेंथ की कैम हार्ड है या ट्वेल्थ की यार देखो आ, फिजिकल केमिस्ट्री की यदि मैं मैं अपनी बात बता रहा हूँ जब मैं जेई की तैयारी कर रहा था कोटा में तो मेरे को इलेवेंथ क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री बहुत टफ लगती थी ठीक है और केमिस्ट्री इलेवंथ में तो है ही नहीं कुछ बहुत सिंपल है तो ऑरन केमिस्ट्री बड़ी आसान लगती थी इलेवंथ की ट्वेल्थ में तो दिमाग का नहीं हो जाता है बहुत सारी चीजें

बॉन्ड इसको हम पढ़ चुके हैं पोलिटी बॉन्ड यदि आपको ऐसा लग रहा है नहीं पढ़ाया तो इसके पिछले वाला लेक्चर आप देख लीजिएगा ठीक है देख लोगे ना या छोड़ दोगे ओके तो ये जो टॉपिक अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कहां गया ये तो कल अपन देख चुके थे ठीक है ओके नेक्स्ट है आपका विस्फर थ्योरी ये कितना छोटा दिख रहा है ये बड़ा कर देते हैं टक 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 जाता है चलो तो पूरा नाम क्या है इसका इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की e तो यहां तो, पर बात हम कर रहे होंगे तो इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर क्या होता है वैसे तो बहुत सारी थ्योरी दे रखी है ठीक है बट वो थ्योरी अल्टीमेटली बहुत ज्यादा हो जाए और हमें पता ही नहीं चले कि याद क्या रखना था क्या नहीं तो काम फेल हो जाता है बाकी समझ में तो सब आना चाहिए समझने में जाता क्या है समझ रहे या सुन लो आज आप लोग बहुत सीरियस हो गए होंगे ना जिन लोगों को पता है ऐसा होता है ना कि जब हम बच्चे होते मतलब छोटे थे नाइन टेंथ क्लास में तो वेट करते रहते थे कि एग्जाम का टाइम टेबल आ जाए बस जैसे ही टाइम टेबल आया बस उस दिन से सीरियस होकर पढ़ाई शुरू कर देते थे कि बस अब तो फोड़ना है टॉप करना है ऐसा फील होता था तो आप लोगों के साथ जी में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्यों आज पता चल गया हमको मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट कब होने वाला है बहुत सारे स्टूडेंट तो सीरियस हुए ही होंगे नहीं क्यों सर नीट की डेट आई क्या नहीं मैंने अभी चेक नहीं किया जय का बस थोड़ा सा मैंने देखा था किसी ने भेजा था स्क्रीन वो देखा था बाकी देखते हैं ठीक है आज से फुल सीरीज <laughs> ये कह रहा है सर फिजिकल केमिस्ट्री का एक्सरसाइज

अच्छा इसमें ये सब कुछ दिया हुआ है तो ये हम आगे पढ़ ही रहे होंगे जैसे कोई मॉलिक्यूल है मान लो ये एच एफ तो आपको तो साफ साफ दिखाई दे रहा है दो ही मॉलिक्यूल है तो क्या होंगे लीनियर होंगे सारे के साथ जैसे एस टू ओ है ना एस टू एस तो ये जो आपके हैं ये सबका स्ट्रक्चर बेंट नहीं होगा है ना एक का क्या इसमें लीनियर है तो आप इनको इस तरीके से जस्ट नहीं कर सकते हो क्या होगा इसका यदि इसमें देखो तो इसमें सबके सब, सब ट्राइगोनल एक ट्राइगोनल दो ट्राइगोनल प्लेमा एक ट्राइगोनल प्लेनर है फिर इसमें क्या क्या है आपका तीनों दे रखे हैं तो इसमें ऐसा कोई इंपॉर्टेंट uh, इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है एक बात जो मैं आपको बता दूं अभी थोड़ा सा एंट्री दे, दे देता हूं बाकी मैं सब आपको डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं कि कोई भी कैसा भी मॉलिक्यूल्स आपका दिया है हम उसका जो भी शेप uh, या ज्योमेट्री है वो कैसे क्या बता पा रहे होंगे जैसे मैं यदि इसकी बात करूं तो आपको पता है सी ओ टू सी टू इस पर कोई लोन पेयर नहीं है इस पर कोई भी लोन पेयर नहीं है तो जब इस पर कोई भी लोन पेयर नहीं है तो ये क्या हो गया लीनियर एस पी क्या हो गया लीनियर हो गया ठीक है यदि मैं इसमें बात करूं करूच की तो एच टू पता है एक दो तीन चार इस तरीके से लोन पे इसको दबा देते हैं इस तरीके से अरेंज करते हैं तो ये क्या हो जाता है आपका बेंट बेंट वैसे ही H2S भी क्या है बेंट है अब एक और बात यदि आप नोटिस करो कि इस कार्बन पर कोई भी लोन पे नहीं है सेंट्रल आइटम पर तो इसका डायपलेंट क्या है जीरो है क्या है डायपलोवेंट जीरो है वही यदि आप यहाँ पर देखो एन एस और एनएफ इनका जो डायपोल मूवमेंट है वो कुछ ऐसा होगा आया ना नाइट्रोजन ऊपर की तरफ खींच रहा होगा सुनो ये सुनो तो इसका कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट है और इसकी ज्योमेट्री क्या है आपकी

जैसे एस टू तो जीरो पर सी एच फोर सी एच फोर का देख लो इस पर भी कोई लोन पे नहीं इस पर भी कोई लोन पे नहीं है तो ये क्या जीरो एप्रूवमेंट है क्या जीरो एप्रूवमेंट है समझ रहे और ये आइडेंटिकल है ना आइडेंटिकल अस सी एल ती आइडेंटिकल नहीं है तो इसका जीरो नहीं है बाकी सभी का क्या टट्टा है, है। कारण पर किसी पे भी लोन पेयर नहीं है तो ये ज्योमेट्री वगैरह वो सब हम आज के इस चैप्टर में टॉपिक में पढ़ने वाले हैं यहाँ पर किसी को कोई डाउट है तो बोलो है क्या किसी को कोई डाउट नहीं सर हमको डाउट नहीं आते हैं यार मैं पानी लेके नहीं आ जाऊं मुझे ऐसा लग रहा है एक मिनट रुकोगे आप लोग भाग तो नहीं जाओगे एक मिनट रुकना मैं आ रहा हूं ना ये कौन है भाई सिंचन चलो अब थोड़ी सी आगे की कहानी हम शुरू करते हैं सर आपने बीच में दो मिनट का ब्रेक क्यों लिया यार प्यास लगाते कभी कभी क्यों यार इसके कुछ पॉस्टुलेट वगैरह हैं मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद ही बता दूं आपको या फिर पढ़ पढ़ के बताऊं चलो पढ़ ही लेते हैं बाकी जो काम की चीजें होगी मैं बता दूंगा जो कि आपको याद रखना है वैसे तो पहला मैन बोल बोलना है कि मैन पॉस्टुलेट जो विस्पर थ्योरी के हैं वो ये हैं द शेप ऑफ आ मोलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ बैलेंस क्या कह रहे हैं किसी भी मॉलिक्यूल का शेप इस बात पर डिपेंड करता है किस पर डिपेंड करता है कि जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कितने बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड दोनों ठीक है दूसरा पॉइंट यदि आप पढ़ो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस सेल रिपल

जहां पर इनकी स्टेबिलिटी क्या हो ज्यादा हो और रिपल्सन क्या हो मिनिमम हो समझ रहे सिंपल सी बात सर्दियां आ रही है? हाँ, या ना? हाँ जी कंबल से निकलना बाहर आपको पसंद है नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को इस तरीके से एडजस्ट करते हो कि आप पढ़ाई भी कर लें और एकदम कंफर्ट भी फील हो रहा हो बढ़िया स्टेबल समझ रहे ऐसा तो नहीं एक टांग आपने ऊपर रख ली हाथ नीचे रख लिया और फिर लगे पड़े हैं पढ़ने ऐसा नहीं होता ना तो बॉडी अपने आप को किस तरीके से एडजस्ट कर रही है जहां पर एकदम स्टेबल हो रिपल्सन कम हो यह सुनो बताओ तो वही एक पॉइंट है अब जैसे आपने कई बार देख रखा होगा रिपल्सन की यदि मैं बात करूं ऐसे लोग जो बहुत गंदे हैं जैसे मान लो सपोज दैट कोई इंसान है, है ना नहा धो के नहीं आया आठ दस दिन से और लाइब्रेरी है सपोज से ठीक है उसमें बैठ के वो पढ़ाई कर रहा है और आप जैसे वहां पर बैठते हो तो आप बदबू आने लगे तो क्या आप वहां पर बैठना पसंद करोगे नहीं क्योंकि आपको तो आप यदि yes no? तो आप, आप इसके बगल में बैठ गए तो पढ़ाई कर ही नहीं पाओगे yes no? बार बार ध्यान वहां पर जा रहा होगा तो वैसा ही ये पॉइंट कहना चाह रहा है और यही एक पॉइंट है जो सब जो भी आपकी बैलेंस विस्पर रही है वो सब ये डिफाइन कर देता है मतलब सिंपल सी बात मॉलिक्यूल्स अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे जिससे जो लॉन पेयर लॉन पेयर का रिपल्सन है या फिर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन है या फिर पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन है बेसिकली पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो रिपल्सन है वो क्या हो कम हो और इनकी स्टेबिलिटी क्या हो ज्यादा हो बस यही एक पॉइंट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझ में आ रहे हो ठीक है तो बस वही ये सब चीज बता रहे था बैलेंस एडल एज अ स्पेयर

क्या क्या इसमें आपको ध्यान देना है अगेन मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं जो कि आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली exactly जो बिस्पर थ्योरी थी वो किस चीज की रिगार्डिंग थी एक तो पॉइंट आपका ये रहा है ना इससे आपका काम चल रहा होगा बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा पॉइंट आपका ये रहा जो कि आगे अभी स्ट्रक्चर में बनाऊंगा वहां पर ही काम आ रहा बस ये दो पॉइंट आपको पता होना चाहिए बिस्पर थ्योरी में ठीक है

फिर तो लॉन पेयर से कम होता है लॉन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन और इससे कम किसका होता है बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका लॉन पेयर है ध्यान रखना ये जो एल पी एस का मतलब क्या है लॉन पेयर लाओ पैसा बॉन्ड पेयर बीपी का मतलब क्या है ब्लड प्रेशर नहीं है बॉन्ड पेयर ठीक है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या अंतर होता है अरे ये ये क्या है लोन पेयर है ना इलेक्ट्रॉन्स पेयर और बॉन्ड पेयर जैसे डबल बॉन्ड होगा सिंगल बॉन्ड होगा ये सब क्या है आपके बॉन्ड पेयर है बॉन्ड बना रहे होते हैं बॉन्डिंग में जा रहे होते हैं समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो ठीक है क्या समझ लो क्लियर है कमेंट सेक्शन में अलग ही अलग ही डायरेक्शन में कमेंट सेक्शन ज्यादा होती है आप लोगों की रोज की रोज क्यों जाना चाहिए क्या ठीक है दूसरा यदि मैं यहां पर स्पेस की बात कर दूं तो ये भी आपको पता होना चाहिए लॉन पेयर ओकुपाई मोर स्पेस लॉन पेयर क्या करता है ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है देन बॉन्ड पेयर किसी भी मॉलिक्यूल की बात हो रही है ठीक तो तो है, है।, तो, बात है देन, देन, बात तो, तो इसमें तो सबसे ज्यादा सिंगल इलेक्ट्रॉन इसमें तो दो इलेक्ट्रॉन है सिंगल इलेक्ट्रॉन तो ये दो चीजें दो ऑर्डर है जो आपको पता होना चाहिए क्लियर है यहाँ पर कोई डाउट अब हम चलते हैं एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट टेबल पर जो कि अभी नहीं आई है तो इन्होंने क्या किया है जो टेबल बनाई है ना उसको इस तरीके से डिवाइड कर दिया बट मैं इस तरीके से नहीं पढ़ाता हूं। मैं सब एग्जाम्पल एक, एक साथ लेके चलता हूं एक तो मॉलिक्यूल्स इन विच पेयर ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम के पास कोई पेयर है ही नहीं ठीक है फिर दूसरा इन्होंने इस तरीके से डिवाइड कर दिया है कि जो सेंट्रल एटम है उसके पास पेयर भी है एक या एक से ज्यादा पेयर है तो वो टेबल देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम शेप वगैरह की बात कर रहे होंगे जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है शेप ज्योमेट्री वगैरह इनकी क्या हो रही होंगी जैसे

यहां पर जो भी आपके स्ट्रक्चर बनना है इसमें कोई लोन पेयर नहीं है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नो लोन पेयर क्या नहीं है लोन पेयर नहीं है सारे के सारे क्या है बॉन्ड पेयर तो अभी हम जो देख रहे हैं टेबल उसमें सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी चीजें आपको पता होना चाहिए आपको पता है एक होता है स्टेरिक नंबर स्टेरिक नंबर क्या होता है स्टेरिक नंबर होता है आपका लोन पेयर प्लस बॉन्ड बॉन्ड पेयर पेयर क्या होता है लोन प्लस पेयर ठीक है इसके बारे में यदि मैं कहूं कि स्टेरिक नंबर यानी कि लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर बॉन्डपेयर होता है यदि ये दो है

दूसरा आपने क्या किया तीन लिया तो तीन में आपको एग्जाम्पल ले लिया बी एफ थ्री अब बोरोन के पास क्या कोई लोन पेयर होगा में नहीं होगा तो इसका जो भी सीन है ज्योमेट्रिक यदि मैं बात करूं तो इसकी जोनिकल क्या निकल रहेगी ट्राइब्यूनल प्रिमिडलिकल क्या रहेगी ट्राइब्यूनल प्रिमिटल तो इस तरीके से हम पर अरेंज कर रहेगा बॉन्ड्स को उसके बाद है आपका यदि मान लो चार है तो चार में आप सी एच पोल ले लो है ना एनएच फो ले लो और भी एक्साम्पल इसके हो सकते हैं क्योंकि हम सभी के सभी क्या ले रहे हैं बॉन्ड पेयर वाला केस ले रहे हैं तो इसका क्या होता है टेट्राहेड्रल क्या होता है टेट्राहेड्रल इसमें कहीं पे भी कोई डाउट है तो पूछ लो बोलो ओके क्लियर है चलो देखो इधर नेक्स्ट आपका फाइव।, फाइव फाइव में आपको पता है एसपी थ्री डी टू एसपी थ्री डी नॉट टू कैसे पता चला मुझे देखो तीन चार पांच है ना तो इसका जो होगा आपको पांच है तो बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो था है। जैसे बायप्रिमिटल फाइव का स्ट्रक्चर ले लो तो बेसिकली क्या होगा ये जो फॉस्फोरस है

तो यहां पर जो प्लेन में आपको दिखाई दे रहा है मैंने कहा कि यहाँ पर बीच में फॉसफोरस रखा है इदर, इदर एक ऊपर सी 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 तो है सीएल सी और एक नीचे सीएल है तो दो सी क्या इसके और कितना एंगल बना रहे हैं ये बताओ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है कितने बना रहा है 90 डिग्री का एंगल तो आप समझ सकते हो कि जो ऊपर वाले दो सीएल जो नजर आ रही हैं वो इसके साथ 90, इसके साथ 90, इसके साथ 90, यानी कि तीन 90 डिग्री ऊपर हो गए। यदि मैं CL की बात करूँ इसके साथ 90, इसके साथ 90 और उसके साथ 90. 90 एंगल नीचे हो गए तो ये सीएल है आपके तीन 120 डिग्री के एंगल हो गए और छह 90 डिग्री के एंगल हो गए तो थ्री डी में थोड़ा सा इसको आपको इमेजिन करना आ जाना चाहिए नेक्स्ट आपका सिक्स इसको बोलते हैं एस पी थ्री डी एक दो तीन चार पांच डी टू तो ये जो ज्योमेट्री जो बना रहा होता है वो क्या होती है आपकी ऑक्टा हेडल जैसे आपने एक एग्जाम्पल लिया एस एफ का तो देखने में अजीब लग रही है मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं तो ये आपको आसान लगने लगेगी कैसे करेंगे आपने सल्फर लिया ठीक है अब एक स्क्वेयर प्लेनर बनाओ आप एफ एफ F, ठीक है ये क्या है स्क्वायर प्लेनर टाइप है इस तरीके से बन रहा है हाँ जी अब मैं कहता हूँ कि इसमें आपको क्या लगा देना है यदि इसको हटा दिया जाए थोड़ा सा बाद में लगाएंगे इसको डॉट डॉट को इधर आप Cl Cl नहीं फ्लोरीन है फ्लोरीन और क्लोरीन इस तरीके से मैंने लगा दिया तो अब आप देखो इसकी जो ज्योमेट्री है कैसी आपको नजर आ रही है इसको जॉइन करो ये क्या आपका एक स्क्वायर प्लेनर है एस ऑन और इस तरीके से फ्लोरिन यहाँ है ऊपर है है ना तो सेम कहानी जो आपको स्क्वायर प्लेनर मैंने दिखाया है यानी कि यहाँ पर बीच में आपका बच गया यहाँ पर बीच में क्या है सल्फर है इधर फ्लोरिन इधर फ्लोरिन इधर फ्लोरिन इधर फ्लोरिन तो ये जो आपको पांच आइटम दिखाई दे रहे हैं ये क्या हुए एक प्लेन में हुए बाकी ऊपर आपका ये वाला फ्लोरिन है और नीचे आपका ये फ्लोरिन है समझ रहे हो तो अब आप देख सकते हो ये जो फ्लोरीन है ऊपर वाला इसके साथ 90 इसके साथ 90 इसके साथ 90 इसके साथ समझ रहे नीचे वाला फॉर्मूला इसके साथ नाइनटीटी इसके साथ नाइनटी हाँ या ना ठीक है तो यहां पर जो फ्लोरिन जो ऐसा बना रहा है इन इन सब के साथ 90, ये सब, इन सब के के साथ साथ ये बना रहा है और बाकी इसमें आप देख ही सकते 90 -90 हो नाइनटी नाइनटी होता है स्क्वायर में क्लियर है ठीक है बोलो केमिस्ट्री में भी मैथ्स केमिस्ट्री में कहा मैथ आ रहा है बताओ Geometry, करना आना चाहिए। ये सबसे है नहीं होती है और ऐसा और नहीं।, तो नहीं था अभी जो केसेस है शेप ज्योमेट्री ऑफ सम सिंपल एटम आयंस हैविंग वन और मोर लॉन पेयर तो इसमें बॉन्ड पेयर भी है और लॉन पेयर भी है तो इन्होंने एक एग्जाम्पल ये ले लिया है तो हम हम इन पर नहीं जा रहे हैं ये इस तरीके से बी

क्योंकि sp2 है टैगोनल प्लेनर निकल के आ रही है जो अरेंजमेंट होगा तो वो क्या होगा टैगोनल प्लेनर अब ध्यान रखना ये जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन पेयर का और ये जो शेप है एक्चुअली में जो आ रहा होता है दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है एक्चुअली में ये लोन पेयर तो कुछ उधर है ही नहीं है ना तो यहां पे इसका जो शेप निकल के आता है बैंड निकल के आता है मुझे पता है कि अभी भी आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ा है तो उसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया करो जैसे आपने एग्जांपल लिया एस ओ टू ये क्या बना दिया है भाई हुआ, think, यहाँ पर, ठीक हुआ तो SO2 टू का स्ट्रक्चर हम देखते हैं आपको पता सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दो इधर गए दो इधर गए और एक लॉनपेयर बचा तो लोन पेयर यहाँ पर आ गया तो इस तरीके से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है एक दो तीन एस पी टू है अब ये क्या है बेंट सेप सीओ टू क्या होता है सीधा होता है आपको पता है क्योंकि उसके पास कोई लोन पेयर नहीं है सल्फर लगा दूं

इसके बैलेंस एक, दो, अब यहां पर जाता आता है।, अब ये जो है ये इसने खुद अरेंज किया क्यों क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन हो रहा होगा तो मिनिमाइज करने के लिए ये इस तरीके से अरेंज हो गए और नो ठीक है आप कभी कंफर्ट फील करते हो ऐसे आता कर लेते हो कि नहीं है ना सर्दियां आ रही तो और ऐसे से जाते हो

ठीक है बोलो चलो नेक्स्ट आपका एक और एग्जांपल लेते हैं कि मालूम ऐसा केस आपके पास आ जाए जिसमें दो बॉन्ड पेयर हैं और दो क्या हैं लोन पेयर हैं तो इसका मतलब क्या है कोई एग्जांपल है एच टू ओ वॉटर सब जानते हैं। तो आप इसका बनाओगे एच ओ ओ दो लोन पेयर यस लो। इस तरीके से दो लोन पेयर होते हैं हाँ हा।

ये बाइक किसको चलाना भाई गजब गजब के लोग आते हैं डिंड यस समझ आया ठीक है मैं एग्जांपल कराऊंगा इसके तो और चीज क्लियर हो जाएंगे क्योंकि यही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी में समझने में मुश्किल होती होंगी रट भी नहीं सकते आप ऐसा कुछ भी नहीं जो आप रट पाओगे इसमें रटने लायक है ही नहीं कुछ सब सब समझना है आपको ठीक है चलो दूसरा देखते हैं ये नहीं रटना है आपको आप यहां देखो बॉन्ड पेयर आपकी चार है लॉन पेयर आप इधर लॉन पेयर ही थे ना पेयर थे शायद ठीक है तो चार और एक पांच यदि पांच आपका स्टेरिक नंबर है स्टेरिक नंबर कितना है पांच है तो हवड़ा कितना हो जाएगा एस पी थ्री डी ये हो रहा हुआ यानी कि ये क्या है ट्राइगोनल

सिंपल सी बात है सल्फर पे छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो चार इसने फ्लोरिन के साथ बॉन्ड पेयर बना लिए अब दो लॉन्ड पेयर बचे तो क्या हुआ एक दो तीन चार पांच ये साफ पता है तो पांच है तो कैसे अरेंज करोगे उसको तो आप देखो इस तरीके से हम अरेंज कर रहे होंगे सल्फर है यहां पर फ्लोरिन यहाँ पर फ्लोरिन यहाँ पर फ्लोरिन और यहाँ पर, पर क्या आएगा आपका लॉनिपियर आएगा अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि आपने इसी तरीके से क्यों अरेंज किया ये जो लोन पेयर है वो यहाँ क्यों किया भाई साहब ऊपर क्यों नहीं पहुंचाया

बोलो ठीक है बोलो शीशो कमेंट चल रहा है ठीक है आप में पता नहीं क्या क्या करते रहते हो, तो बेबी टेक केयर ध्यान रखना आपस में लगी पड़े हो टेक केयर लव यू आप भी तुम तो लोगों को सारा आश यही करना होता है क्या कमेंट सेक्शन में क्यों पढ़ लिया करो थोड़ा बहुत चलो बाकी लोग डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं बेचारे जो सिंगल लोग होते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आपका नेक्स्ट केस पांच और एक ये कितना है पांच पेयर और एक आपका लोन पेयर ठीक है

फ्लोरीं, 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 फ्लोरीं। और यहाँ पर क्या जाएगा आपका लॉन पेयर और लॉन्ग पेयर समझ रहे yes no? तो ये हो प्लेनर। तो क्या होगा हम ले चुके हैं अब एनसीईआरटी में थोड़ी सी थ्योरी और दी हुई है जिसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं मान लो ऐसा कोई केस आपके पास आ रहा है जिसमें बॉन्ड पेयर कितने चार और लॉन पेयर कितना एक ठीक है तो उसका अरेंजमेंट ऐसा क्यों आया उसका अरेंजमेंट कैसा आता है बेंड टाइप आता है तो कोर्स ये तो मैं बताई चुका हूँ आपको एक मिनट ओके इसमें इसमें थोड़ा सा अंतर है कहूंगी भाई टेबल नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स नंबर ऑफ लोन पेयर्स नंबर ठीक तो एक एक डबल डबल है तो इसके बारे में क्या रखा है कि इसका जो शेप है एक्चुअली में कैसा आता है इस टाइप का आ रहा है बेंट टाइप आ रहा है कि नहीं आ रहा है हाँ जी तो यहाँ पर यह कह रहे हैं कि ये होना क्या चाहिए था? इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है एक दो तीन एसपी टू तो यदि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो इसका जो शेप है वो ट्रेंगुलर प्लेनर होना चाहिए था बट ऐसा नहीं है ये बेंट या फिर वी शेप दिया गया है तो उसका रीजन क्या है कि जो रीजन है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का जो रिपल्सन है वो कहां पर ज्यादा होता है बताओ आ, इधर ठीक है जो यदि आप इसको नॉर्मल बनाओगे ट्रेंगुलर ठीक है तो उसमें ज्यादा हो रहा होता है तो दैट्स व्हाई मिनिमाइज करने के लिए किसमें चला जाता है बेंट शेप में चला जाता है तो वही इन्होंने बताया एंगल इज रिड्यूस टू वन वन नाइन पॉइंट फाइव

ठीक सर ये आज एंड हो जाएगा नहीं नहीं आज एंड नहीं होगा ये चैप्टर ठीक है बोलो ठीक है नेक्स्ट है आपका कि मान लो आपके पास कोई ऐसा केस आ जाए जिसमें तीन पेयर और एक लोन एन एस थ्री का है तो आपको पता है कि स्टेरिक नंबर कितना है चार है एसपी थ्री वन जीरो नाइन पॉइंट फाइव एंगल होना चाहिए था बट ये भी घटे क्या हो रहा है वन जीरो सेवन हो रहा है तो ऐसा भी सेम रीजन है वहां पर ठीक है तो इसका भी रीजन क्या है जैसे मान लो सर यहाँ पर लोन पेयर है रिपल्सन तो बॉन्ड पास पास हो रही है कितना से से पहुंच, पहुंच रहा है कम हो रहा है नेक्स्ट एग्जांपल है ये वाला इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि मान लो ऐसा कोई केस है पांच वाला केस एस थ्री डी का कैसे है एसपी थ्री डी का

यानी कि तीन फ्लोरिन के साथ ज्यादा रिपल्सन ज्यादा तो है तो रिपल्सन ज्यादा हुआ यहाँ पर ज्यादा हुआ वही यदि मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर जो पेयर है वो सिर्फ दो फ्लोरीन के साथ में जा रहा है इधर और इधर तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ ये वाला ना क्योंकि इसमें रिपल्सन दो फ्लोरिन के साथ यानी कि रिपल्सन कम है रिपल्सन ज्यादा किधर है इधर तो इधर ज्यादा रिपल्सन है इधर कम रिपल्सन है तो ये उतना स्टेबल नहीं होता है ये ज्यादा स्टेबल होता है इसलिए हम क्या कहते हैं मोर स्टेबल की सीशॉर हम यूज कर रहे होते हैं

ठीक है देखो ध्यान से इधर क्या कहना चाह रहा है कि यदि बॉन्डिंग में तीन आपके बॉन्ड है और क्या लोन पर तो है।, ये भी का? एस भी दू, दू का है तो इस केस में आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं दो क्या बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि आप लोन पे लोन पर यहां पर अरेंज कर दो है ना इधर ये आपने अरेंज कर दिया एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप लोन पर एक इधर अरेंज कर दो और दूसरा नीचे की तरफ कर दो

सात का केस आया था क्या कोई ये तो खत्म हो गया इस पे थोड़ी थोड़ी सी थोड़ी है जो मैं आपको बता रहा होऊंगा पेंटागोल ऑक्टाइडल इसके बाद आपने देखा नहीं है इसको भी देखो जो कुछ कुछ मिसिंग पॉइंट्स है ना एनसीईआरटी में मैं वो बता देता हूं आपको कि मान लो कोई आपसे ए बी सेवन टाइप चीज ये आता है आपको पता है कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा एक दो तीन चार पांच छी थ्री कर दो हो गया ठीक है है क्योंकि इसका जो स्टेरिक नंबर क्या है आपका है। समझना तो इसका जब आप सेप पेंटागोनल, क्या आता है? पेंटागोनल आ, कि ये A है जैसे आई एफ सेवन का एग्जाम्पल लेवन ठीक है है दो तीन चार पांच इन सबको जब आप जोड़ोगे एक दो बाद में जोड़ते हैं कैसे जोड़ोगे भाई कोशिश करते हैं एक थक, 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 थक और थक। अब आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है पेंटागोनल. और ऊपर से जो दो फ्लोरिंग है वो इधर और इधर तो कहीं ना कहीं मैंने जो तरीका आपको बताया था सेम तरीके से भी आप इसको देखो यहां से ये है आपका प्लेन इसमें क्या पेंटागोनल ऊपर फ्लोरिन यहां पर फ्लोरिन तो इसको क्या बोल देंगे पेंटागोनल बाय प्रिमिडल तो इसका जो स्ट्रक्चर इस है वो क्या आ जाएगा एनसीईआरटी में ये नहीं है बट नोट कर लो पूछ लेते हैं कभी कभी तो यूज इसका करा ही लेते हैं समझ में आ गया अब इसमें एक और केस है

और बचा हुआ जो एक पेयर है वो यहां पर इस तरीके से आ रहा होता है तो इसको हम बोलते हैं डिस्टोर्टेड यानी कि थोड़ा सा डिफेक्ट है किसमें ऑक्टाइडल में डिस्टोर्टेड ऑक्टाइडल तो, समझ में आ गया ये बात करो नोट यदि कुछ करना है इसमें तो फटाफट ठीक है चलो अब मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा आपको उनके शेप बताने हैं पहले तो एक पॉइंट लिख लो कि ये जो आपका ट्राइगोनल इन ट्राइगोनल बाय प्राइमिडल डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर आर एट इन ट्राइगोनल डल हम किसकी बात कर रहे हैं एसपी थ्री डी एक दो तीन चार चार एक पांच हाँ ऐसा कोई केस आता है मतलब पांच नंबर है उसका है तो उस केस में ट्राइबोनल के केस में डबल बॉन्ड और लोन पेयर आपके कहा आते हैं आर एट लिखा है क्या मैंने नहीं लिखा है आर एट इक्वेटोरियल पोजिशन डबल बॉन्ड और जो आपका लोन पेयर है उसको हम कहा लिखते हैं इक्वेटोरियल पोजिशन पर लिखते हैं ठीक है इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे बहुत हेल्प आपको हो रही होगी और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसको कहां लगाते हैं पर ठीक है तो अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछते जा रहा हूं आपको फटाफट फटाफट बता देने हैं कि उनके शेप क्या होंगे ठीक है तो क्योंकि ऑफ कोर्स वो सब रिपल्सन का ही सीन होता है जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूं जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया पीसीएल यदि आप इसको रिप्रेजेंट करोगे कैसे करोगे ऑफ कोर्स तीन सीएल है दो फ्लोरिन है तो आप जब भी इसको बनाओगे तो जो आपका मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है फ्लोरिन तो वो ऊपर आएगा बाकी तीन सीएल इस तरीके से आ रहे होंगे समझ रहे जैसे आपने स्ट्रक्चर बनाया दो सीएल टू और आपके पास तीन फ्लोरिन है तो फ्लोप्लो में ऐसा मत कर देना यहाँ यहाँ फ्लोरिन लगा दो नहीं ऊपर आपको फ्लोरिन ही लगानी है और इधर आप फ्लोरिन लगा दो देन आपके इधर क्या जाएगा सीएल और सीएल इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर बनना दोनों के दोनों क्या आपके टाइवल पाइपल है ठीक है चलो अब मैं कुछ और क्वेश्चन देता हूँ दूसरा तीसरा क्वेश्चन आपके पास क्या एक्सई ओ एफ टू इसका शेप बताओ क्या होगा और चौथा है आपके पास X -E इसका शेप बताओ क्या होगा जल्दी सारा ही क्वेश्चन लीजिएगा बता दी मैं शेप बताओ एक्स टू -E कैसे बनाऊंगे जे एडवांस पूछा था क्वेश्चन बराबर के क्या शेप निकल के आ रहा है एक्सी ओ टू एक्स टू फटाफट कौन सा शेप है

आ गया सबका कैसे पता चला देखो दो तीन चार और इसके पास कितने दो और बचे होंगे आठ होते है ना बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसा तो एक दो तीन चार तो दो ठीक है इसमें तो कोई गलती तो मुझे नहीं लग रही है एक मिनट को ना हम्म ठीक है तो जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा एक्सी दो फ्लोरिन ऊपर लगा देंगे और लॉन पेयर हम कहाँ रखते हैं दो हैं तो इधर रख देंगे छह इधर गए दो बचे तो आपके डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, हो इधर क्या जाएगा आपका लॉन पेयर तो ये क्या पिरामिडल शेप निकल के आ रहा है सिंपल है ये सिंपल है कि नहीं है जय मैन जैन जैन चल रहा है आज तो देना क्यों क्या yes सुनो no? चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं फिफ्थ एग्जांपल ड्रॉ करने आपको फटाफट जैसे मैंने लिया xeo2f2 जे मेंस एडवांस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसका शेप बताओ फटाफट xz2 का भी बताओ i3- जे एडवांस हम पूछा गया है i3- वाला क्या बात करो हाँ जी ठीक है और तो क्या बताओगे आप बाकी तो सब मैं एक्सप्लेन आपको कर ही चुका हूं ठीक है इसका बताओ फिर मैं एक और क्वेश्चन लूंगा जो जनरली पढ़ाया जाता है पर वो उतना तो पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा हटाओ उसको कोई नहीं ठीक है लास्ट है इतना ही लास्ट है इन तीनों के शेप बताते हो जल्दी जल्दी नंबर वाइज बताना फिफ्थ कैसा होगा सिक्स कैसा होगा सेवंथ कैसा होगा बोलो जल्दी सर ओपिनियन ऑन जन जे इन जन मैं अभी बनाता हूँ वीडियो इसको खत्म हो जाए उसके बाद एक आपको शॉर्ट शॉर्ट मिल जाएगा शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा इसका ठीक है इंडिया चाइना कौन सा युवत चल रहा है भाई हो गया चलो देखो फटाफट क्या करना अपन को इसका शेप बताना है क्या होगा पहले तो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो आप एक दो तीन चार पांच छह एक लोन प्रेस इस बचा होगा ठीक है तो एक दो तीन चार पांच यानी कि पेमेडल है बाई पेमेडल ट्राइगोनल बाई प्रोमेडल तो एक्सी है तो दो फ्लोरिंग आप ऊपर लगा दोगे और दो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन बना दो और एक लोन पे यहाँ आ जाएगा तो आप देखो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ बैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे हैं तो ये क्या है आपका के शेप या फिर सी सी शो शो बोल सकते हैं या फिर के शेप भी बोल सकते हैं एग्जेप होता हो, तो इसको पता है आप आठ बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक दो तीन चार पांच छः सात और आठ इस तरीके से तीन लोन पे आ रहे होंगे का लिनियर आ रहा है सिक्स का देख लो भाई कैसे करोगे एक्सी ये सेम तरीका इसमें बायोपेरिमेंटल का कैसा है एक दो तीन चार पाँच तो आपको पहचानना है तो आपको पता है ये लॉन पेयर ये लॉन पेयर एक्सीएल पे क्या जाता है आपका फ्लोरिन ये क्या हो गया एक्सी का स्ट्रक्चर हो गया आई थ्री माइनस का बताओ जरा ये सोचने वाला है सेवेंथ का क्या बता रहे हो एंटीवायरस नाम वायरस बताते पड़ते चलो आयोडीन ये जो है तीन आयोडीन ऐसे हम होंगे हमको नहीं पता इसका शेप क्या है बट हमको एक बात तो पता है कि जो आयोडीन तो एक दो तीन चार तो सा बड़ा कर लेते हैं ठीक है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ और ये भी खुश है ये भी खुश है ऑक्टेट दोनों ही कंप्लीट है बीच वाले की केस देखते हैं तो ये बात तो पता चलेगा इस पर ही आ रहा होगा अब एक दो तीन चार

कोई नहीं धीरे धीरे कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है जो भी आप पढ़ो समझ में आ जाना चाहिए दैट्स इंपॉर्टेंट ठीक है चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया कर लो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी होगी सिंह केमिस्ट्री है ना इंस्टा वगैरह पे फॉलो कर सकते हो चलो फिर मिलते हैं बाय बाय